बार फिर हां। पवन सिंह ने चुनाव के लिए भरी हामी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए लड़ूंगा चुनाव। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। इसकी जानकारी खुद पवन सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर विरोध होने के चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी। इसी बीच बुधवार को उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। इससे पहले पवन सिंह ने आसनसोल से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने में असमर्थता जताते हुए लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास कर आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। दरअसल भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से पावर स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर टीएमसी नेताओं ने जमकर ट्रोलिंग की थी, उनके गानों को लेकर खिंचाई की थी, जिसके बाद पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बता दें कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह बिहार के आरा के रहने वाले हैं। वह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था। फिलहाल आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से सांसद है और टीएमसी ने उन्हें फिर से इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है।